हेलो दोस्तों, मैं शहबाज ग्रेट आईक्यू में आप सभी का स्वागत करता हूं। 16 जनवरी सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम अभी ख़त्म हुआ है और कैंडिडेट से जानते हैं कि कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, कैसा एग्ज़ाम का लेवल आ रहा है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहता हूं, किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मॉक टेस्ट सबसे ज़रूरी होते हैं। और अगर आपके कॉन्सेप्ट कितने भी क्लियर कर लिए मगर अगर मॉक टेस्ट नहीं लगाए तो आपकी प्रिपरेशन कहीं ना कहीं अधूरी रह जाएगी। तो टेस्ट बुक आपके लिए लेकर आया NTPC के 162 टेस्ट और ग्रुप डी का जिनका एग्ज़ाम है उनके लिए 170 टेस्ट। और ये सभी आपको न्यू ईयर के ऑफ़र में पूरे साल के लिए 299 रुपये का पास है, जो ईयरली पास है, जिसमें 12,000 से ऊपर आपको टेस्ट मिलेंगे। अगर आप इस टेस्ट में ग्रेट आईक्यू का कूपन कोड अप्लाई करते हैं तो आपको 30 रुपये का यानी 10% डिस्काउंट और मिलेगा। इसी के साथ साथ आपके लिए देख रहे हैं, आप ये टेस्ट बुक जो है 349 में कोचिंग में लेकर आया है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप जो टेस्ट बुक विजिट कर सकते हैं, इन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं। पेपर में कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किया आपने? 87। जोन कौन सा आपका? जोन चंडीगढ़ जोन। चंडीगढ़ जोन से पेपर का लेवल कैसा था? ओवरऑल मॉडरेट है। मॉडरेट था। कोई क्वेश्चन याद है कोई जीएस का? जीएस के कोई भी क्वेश्चन? योजना से कोई क्वेश्चन आया था? गांधी जी से कोई क्वेश्चन था? गांधी जी से, आंदोलन से, कांग्रेस से? ये पेपर में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने? सर मैंने 72 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। आपने कितने अटेम्प्ट किए थे? मैंने 78 के। 70 आपने? 92। आपका जोन कौन सा है? जोन बेंगलोर। बेंगलोर मेरा एमपी। एमपी आपका? चंडीगढ़। पेपर का लेवल कैसा था ओवरऑल? ओवरऑल पेपर का लेवल मतलब इजी टू मॉडरेट था। इजी टू मॉडरेट में आएगा। हार्ड टू। क्वेश्चन को याद है कोई क्वेश्चन आपको? जीएस का कोई क्वेश्चन? जीएस का है, जुरू जनजाति कौन से देश में पाई जाती है? जुरू जनजाति कौन से देश में पाई जाती है? अच्छा, और योजना से कोई क्वेश्चन था? कोई योजना से तो नहीं था, संविधान से थे। क्वेश्चन था जो ये थी ना, ह्यूमन डेवलप की कोई योजना थी, उसका एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन आया था 2005 में, कभी शुरू हुई है ऐसे करके अराउंड में क्वेश्चन था। ऑर्गेनाइजेशन से कोई क्वेश्चन आया था? यूएन, यूनेस्को से? यूनिसेफ का आया था। यूनिसेफ का ब्रांड एम्बेसडर कौन था 2018 में? यूनिसेफ का ब्रांड एम्बेसडर कौन था? और कोई क्वेश्चन था? DRDO, इसरो, बार्क से, मिशन इसरो का क्या क्वेश्चन था? 2008 में इसरो का वो कौन था अध्यक्ष? कौन था 2008 में इसरो का अध्यक्ष कौन था? अच्छा, कोई कंप्यूटर से क्वेश्चन आया था? कंप्यूटर के फुल फॉर्म? ये सुपर कंप्यूटर का क्वेश्चन आया था। सुपर कंप्यूटर का क्वेश्चन आया था। अच्छा, और कोई स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आया था? कोई स्पोर्ट्स से? कोई ओलंपिक, IPL से, क्रिकेट से? अवार्ड से कोई क्वेश्चन आया था? अवार्ड से पुरस्कार कोई सा? एक क्वेश्चन आया था जिसमें पूछा था कि ये जो जिसको नहीं मिला है अवार्ड, कौन सा अवार्ड था? उसमें मूवीज थी लगान, मदर इंडिया ना होगा, तो इनमें से आई थिंक ये ऑस्कर नॉमिनेट मूवी कौन सी नहीं है? कौन सी ऑस्कर की नॉमिनेट नहीं है मूवी? उसको बुक्स की कोई क्वेश्चन आया था? बुक्स की ऑथर कौन सी? वाई आई एम हिंदू। अच्छा, ये बुक आई थी। कोई लॉर्ड से क्वेश्चन था? लॉर्ड वायसराय, कांग्रेस से, गांधी जी से कोई क्वेश्चन? क्या क्वेश्चन था? गांधी जी से था, ऐसा योग आंदोलन से रिलेटेड, मतलब किस लिए लगाया था उन्होंने? कांग्रेस से कोई क्वेश्चन था? और कोई कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था? रिपीटेड काफी क्वेश्चन हो रहे हैं, काफी सारे। ज्योग्राफी से कोई क्वेश्चन था? नदी, पर्वत, पहाड़, मैदान, पठार से? कहीं की कैपिटल करेंसी कोई? करेंसी के बारे में। कौन सी करेंसी? इंडिया की। इंडिया की करेंसी कब चेंज की गई है? जो मुद्रा कब आया था? मुद्रा कब आई थी? अच्छा, सिंबल था वो कब चेंज हुआ है? सिंबल। कोई मंदिर का क्वेश्चन आया था? टेंपल, स्टेडियम, कोई स्टेडियम डांस, कहीं के डांस की फॉर्म? कुछ चित्रकला, कोई सा दिवस, डे जो होते हैं डे, कोई सी संविधान से? संविधान से कोई क्वेश्चन था? आर्टिकल यूज होता है अमेंडमेंट के लिए, कौन सा आर्टिकल यूज होता है? कोई आर्टिकल भी आया था कोई संविधान से? कोई आर्टिकल कोई आया था? यही क्वेश्चन आया था। इकोनॉमिक्स से कोई क्वेश्चन देखने को मिला था? इकोनॉमिक्स से। और कोई मनी, बैंक से कोई क्वेश्चन? बैंक कोई क्वेश्चन नहीं था। साइंस में कोई क्वेश्चन था? बायोलॉजी में? बायोलॉजी में था कि ये ऑक्सीजन कैरिंग कौन सा है? ऑक्सीजन ऑक्सीजन कैरी करती है, कौन सी कैरी करती है? कौन सी ग्रंथि हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को लेके जाती है? कौन सी ग्रंथि ऑक्सीजन को लेके जाती है? अच्छा, और फिजिक्स से कोई क्वेश्चन था? न्यूमेरिकल वगैरह? केमिस्ट्री से कोई था? कि ठंडे पानी में ऐसा कौन सा एसिड मिलाया जाए कि वो उबलने लगता है? कौन सा पानी मिलाया जाए उबलने लगता है? उसमें था कि काफी सारे जैसे कंडक्टर नॉन कंडक्टर दिए होते, तो उसमें से बताना था कि कौन से नॉन कंडक्टर नहीं है। पीरियोडिक टेबल से कोई क्वेश्चन था? पीरियोडिक टेबल से करंट अफेयर का कोई क्वेश्चन याद है? करंट अफेयर से कुछ भी 2018-20 की क्या क्वेश्चन था? कोई क्वेश्चन याद है करंट अफेयर का? कोई भी पाई चार्ट से सवाल थे, मैथ पाई चार्ट से। पहले जीएस का कोई क्वेश्चन और याद हो तो बता दो, फिर मैथ्स का डिस्कशन करते।
कोई क्वेश्चन नहीं था, और करंट अफेयर से कोई रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो? करंट अफेयर 2008 का था, उसमें प्रियंका चोपड़ा और ये वाला था, कोई रिलेटेड ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड, ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड क्वेश्चन। तो जीएस का लेवल ओवरऑल कैसा था? 40 में से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता है नॉर्मल स्टूडेंट? नॉर्मली अगर पढ़ाई करके आए तो मीडियम सी कर सकता है वो 30 के, 30 तक वो कर देगा इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैथ्स का लेवल कैसा था? मैथ्स का बहुत इजी था, इजी लेवल था। कोई मैथ्स में कोई भी क्वेश्चन ऐसा था वो टफ लगा हो? ज्यादातर फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस थे, अगर आपको जैसे फार्मूला आते हैं तो उस पे कर लोगे, और उसमें भी फिर सिलेंडर से आया क्वेश्चन, एक रोम्बस से आया, और एक आया एक स्क्वायर का आया था, वही कैलकुलेटिव था। कोई क्वेश्चन कैलकुलेटिव? ट्रिग्नोमेट्री से थे, ट्रिग्नोमेट्री से कैलकुलेटिव क्वेश्चन। रीजनिंग का कोई क्वेश्चन आया था? रीजनिंग का कोई टफ क्वेश्चन देखने को मिला था? रीजनिंग के वेन था, बाकी एक वो आया था सीटिंग अरेंजमेंट टाइप का जो क्वेश्चन था वो अरेंजमेंट टफ था, वो काफी तो स्किप कर दिया मैंने। अच्छा, वो काफी लेंथी था। और ओवरऑल जो अटेम्प्ट होंगे इसमें गुड अटेम्प्ट कितने तक हो जाएंगे? वो गुड अटेम्प्ट इसमें 70 अगर कोई कर देता है स्टूडेंट जेन्युइन अटेम्प्ट तो वो अच्छे अटेम्प्ट में आ जाएगा। अच्छा, जो SSC के जो एग्जाम्स होते हैं CHSL का CGL का, उसका हिसाब से लेवल हल्का था या बराबर? तो हल्का था। उसके हिसाब से हल्का था, टेकिंग था। अच्छा, फेज वन के आपने रिव्यूज वगैरह भी लिए होंगे तो वो रिव्यूज की तरह कुछ रिपीट हुए क्वेश्चन उसमें से? क्वेश्चन रिपीटेड हो रहे हैं, LCM HCF वही सेम है, LCM HCF रिपीट, 4-5 क्वेश्चन थे रिपीट हो रहे हैं, डिजिट चेंज हो रही है बस, बाकी पेपर ओवरऑल जो था ज्यादा मुश्किल नहीं लगा था, है ना? सही है। ठीक, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए मैम आपने? 75। आपने कितने किए थे? 70। पेपर का लेवल कैसा लगा था आपको? पेपर का लेवल 60% इजी था, 40% हार्ड में गया, मॉडरेट गया, मॉडरेट लेवल में था। कोई क्वेश्चन याद है कोई जीएस का कोई भी क्वेश्चन आपको? बुक्स का नेम कौन सी बुक्स आई थी? YIM हिंदू, वो जो आपने बताई थी। और कोई क्वेश्चन याद है आपको कोई भी जीएस का कोई क्वेश्चन, करंट अफेयर का या कोई क्वेश्चन? जोन कौन सा भरा था आपने? जोन चंडीगढ़। आपने इलाहाबाद से भरा आपने? अच्छा, तो ओवरऑल जो अटेम्प्ट थे पेपर का लेवल मॉडरेट लगा था। मैथ्स कैसी लगी थी आपको? मैथ्स ठीक थी, इतना टफ नहीं था, लेकिन काफी क्वेश्चन घुमा दिए गए थे जिससे फॉर्मूले पुट नहीं हो रहे थे, इस वजह से प्रॉब्लम हो गई थी। बाकी जीएस का पार्ट में 60% ठीक था, लेकिन पुराने जो लेवल के क्वेश्चन उठा दिए गए थे कि 2018 में कौन सा जो अंतरिक्ष में यान भेजा गया उस टाइम कौन से उसके CEO थे, 2008 में 18 में जो भेजा गया है उसमें 1857 का रिवोल्ट से क्वेश्चन था। अच्छा, हिस्ट्री से क्वेश्चन था वो। अच्छा, रीजनिंग कैसे लेवल थी? रीजनिंग का लेवल ठीक था, लेकिन कुछ क्वेश्चन फंसाने वाले थे, कुछ क्वेश्चन जो सीटिंग अरेंजमेंट के कैलकुलेटिव थे, जिसमें 7 लोग बैठाने थे वो बैठ नहीं पा रहे थे, मतलब ठीक से नहीं बैठ, सीटिंग अरेंजमेंट ज्यादा नहीं हो, वो थोड़ा डिफिकल्ट। तो ये था 16 जनवरी के सेकंड शिफ्ट का एग्जाम, मॉडरेट लेवल बता रहे हैं, रीजनिंग थोड़ी सी कैलकुलेटिव बता रहे हैं जैसे सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह, बाकी ओवरऑल लेवल जो है वो रिपीट हुए काफी सारे क्वेश्चन, जीएस के क्वेश्चन काफी रिपीट हुए हैं। तो आप सब रिव्यूज़ देखते रहिए, और एक बात और बताना चाहता हूँ, किसी ने भी अगर टेस्ट बुक का पास नहीं लिया है, अगर प्रैक्टिस करनी है तो वो टेस्ट बुक के पास खरीद सकता है। अभी जो है काफ़ी अच्छा ऑफर चल रहा है, 299 का पूरे साल का पास मिल रहा है, उसी में भी अगर आप ग्रेट IQ का अगर आप कूपन कोड लगाते हैं ग्रेट IQ तो 10% का आपको ऑफ मिलेगा। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट।